गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हेयर अनुज शर्मा फ्रॉम KPS. एज यू नो, वी आर इन लॉकडाउन फेज एंड वी आर कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर योर हेल्प. एज यू नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फिजिक्स चैप्टर लाइट एंड यू हैव वॉच दिस वीडियो in last week, and today we will discuss further details of light. As you know, there are two types of mirror: spherical mirror, concave mirror and convex mirror. Then the basic relation is spherical mirror, and these are some important terminology of physics. At first, we will study all these terms. First is principal axis. Line joining the pole and center of curvature of the spherical mirror is called principal axis. It means जो line pole P और center of curvature C को spherical mirror में जो add करती है, join करती है, उसे हम principal axis कहते हैं. Second pole, the geometrical central point of the reflecting spherical surface is denoted by P is called pole. जो central point होता है reflecting sphere spherical surface का, उसे हम P से denote करते हैं, pole कहते हैं. Aperture, the width of reflecting spherical surface. जो चौड़ाई reflecting spherical surface की होती है, उसे हम aperture कहते हैं. Fourth, center of curvature. The center of hollow glass sphere of which the spherical mirror is a part is called the center of curvature. जो hollow glass sphere का center point होता है, उसे हम C से denote करते हैं, उसे हम center of curvature कहते हैं. Radius of curvature, distance between the pole and center of curvature. Center of curvature और pole के बीच की जो दूरी है, उसे हम radius of curvature कहते हैं. PC is equal to R, radius of hollow sphere which the mirror is a part. Next, point 6, focus point. The point on the principal axis where all parallel rays meet after reflection is called principal focus or focus. It is denoted by letter capital F. It means principal axis पर वह बिंदु जहाँ पर reflecting surface से rays टकराने के बाद मिलती हैं, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस पे बना हुआ फोकस कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट 7, फोकल लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट. पोल और फोकस पॉइंट से जो बीच की जो दूरी है, उसे हम स्मॉल एफ फोकल लेंथ डिनोट करते हैं. नाउ वी विल शो द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. So capital F is equal to capital R by divided 2. It means focal length radius of curvature का half होता है. अब हम spherical mirror से image बनाना सीखेंगे, और उसके पहले हम जानेंगे इनके rules regulation. पहला rules regulation जहाँ हम बात कर रहे हैं concave और convex की, यहाँ देखिए जो पहला आप diagram देख रहे हैं, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट गोज थ्रू फोकल फोकस पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. और वी कैन से जो फोकस से आती है, वो बाद में होने कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पास थ्रू फोकस, मीट एट फोकस और वाइस वर्सा. While in convex mirror, you are watching that the rays which is parallel of the principal axis after reflection, it meets at focus behind the mirror which is virtual. Okay students, now we talk about the rule. Second, the ray of light which passes through center of curvature will reflect their path after reflection.
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन आती है वो उसी पाथ पर वापस चली जाती है। इसे आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स पे नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द रूल नंबर सी। ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन पोल गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल ऑन द अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। इट मीन्स जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने हुए पॉइंट पी पोल से पे रिफ्लेक्ट होती है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी एंगल से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए जिस एंगल से वो आई है। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। यू कैन वॉच हेयर इन बोथ ऑफ मिरर, कॉनकेव अपर साइड एंड कॉन्वेक्स इज लोअर साइड। ओके, सो दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन विच विल हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंट नॉट। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस ऑलवेज एक्ट एज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स। इफ वी नो द नॉर्मल, वी कैन ड्रॉ एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो जब फोकस से जाती है तो हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर उनके बीच में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को बेस मानते हुए, नॉर्मल मानते हुए हम देखेंगे तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों के दोनों सेम होंगे। अगर वह 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी 30 होगा। अगर 60 है एंगल ऑफ इंसिडेंट तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी 60 होगा। आइए वहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ इमेज फॉर्मेशन की बात हो रही है कॉनकेव मिरर में। आप इसकी 6 कंडीशन है, देर आर 6 conditions by which we can understand all types image. So at first, when object at infinity all rays come from infinity and reflect on reflecting surface of mirror, and after reflection they meet on a point that is called focus. So position of image एट फोकस, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। इट मीन्स जब भी मिरर के सामने की ओर बनती हो वह इमेज हमेशा नेचर वाइज वास्तविक रियल होगी, एंड इन्वर्टेड मीन्स उल्टी होगी, उल्टा बनेगा, हेड टू बॉटम बनेगा, बॉटम टू हेड। अगर ऑब्जेक्ट है ए बी तो वो होगा बी ए, बी पहले और ए नीचे होगा। इसी तरह साइज़ की बात करें तो फोकस पर जो है पॉइंट साइज़ बनेगी, इसे हम हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड सिचुएशन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, जब बियॉन्ड सी, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर रखा होता है ऑब्जेक्ट, उस कंडीशन में अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन रेज पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, वो फोकस से होता हुआ जा रहा है, और एक रे पोल पे रिफ्लेक्ट होने के बाद पोल से ही वापस प्रिंसिपल फोकस एक्सिस से आई और आर बनाते हुए जाएगा। जहाँ ये दोनों लाइन मीट करती हैं, वेयर दीज टू लाइंस मीट फ्रॉम फोकस एंड फ्रॉम पोल, देन इमेज इज फॉर्म्ड बी डैश ए डैश। इट मीन्स नेचर वाइज रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, पोजिशन बिटवीन फोकस एंड सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा होगा। नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन सी, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस किया जा रहा है तो अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्टेड इट गोज थ्रू फोकस, एंड वन रे सेकेंड रेज
also goes through focus point, and after reflectant it meet, and position of image is also at C, and size of image will be same size, and nature as you know सामने है तो वो क्या होगा, real भी होगा और inverted यानी वास्तविक भी बनेगी लेकिन उल्टा इमेज बनेगा, B dash A dash होगा। अब हम आगे की बात करते हैं, कंडीशन नंबर फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो उनसे क्या होगा, एक रेज अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्टेड होगा फोकस से, और दूसरी आएगी जो पोल पी से रिफ्लेक्ट होने के बाद आर आई और आर इक्वल बनाते हुए जाएगी, जहाँ ये दोनों लाइनें जो पैरेलल आई थी वो और जो पोल से आई थी वो जब रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती हैं वहाँ पर बड़ी इमेज बनती है, इट मीन्स पोजिशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, सी से दूर बना आगे की ओर पीछे की ओर बना सॉरी, और साइज ऑफ इमेज एनलार्ज हुआ, और यहाँ पे आई और आर इक्वल हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इमेज है वो काफ़ी बड़ी है ऑब्जेक्ट से, और जितना सी से अंदर ऑब्जेक्ट है उतना इमेज बाहर है सी की ओर, सी से बाहर की ओर। नाउ वी टॉक अबाउट कंडीशन नंबर फिफ्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब फोकस पे रखा जाता है तो कहाँ बनेगी इमेज, तो यहाँ पर आप वही रूल्स लगेगा, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्ट होगी फोकस से होती हुई जा रही है, और एक पी पर आएगी जो एंगल इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस से बनाती हुई जा आ रही है और रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती हुई वापस जा रही है पी से, लेकिन ये दोनों लाइनें पैरेलल शो हो रही हैं, इट मीन्स ये मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी तो बहुत दूर जाके मिलेंगी, इट मीन्स इनफाइनाइट, यहाँ पे इन्फिनिटी पे बनेगी पोजीशन इमेज की, नेचर जैसा कि सामने है तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज़ जो इमेज का वो हाईली एनलार्ज होगा क्योंकि वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, जिसे हम नहीं जानते कि वो कहाँ मिलेंगी, और लेकिन जहाँ भी मिलेंगी उस समय उसकी इमेज का जो साइज़ होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। तो यहाँ हमने कंडीशन फिफ्थ की बात की, अब हम कंडीशन सिक्स्थ पे आ रहे हैं। कंडीशन सिक्स्थ को आप देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में जब रखा जा रहा है वही रूल्स लग रहा है, यहाँ पर भी एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और वो फोकस से होती हुई जा रही है, दूसरी पोल पी पर आ रही है और वो पी से रिफ्लेक्टेड एंगल बनाते हुए जा रही है, और ये दोनों ही विड्थ में बढ़ती चली जाती हैं मिरर के सामने, बट व्हेन वी मीट दीज लाइन बिहाइंड द मिरर देन इमेज इज फॉर्म्ड, तो वहाँ पर इमेज बनती है क्योंकि दोनों लाइनें वहाँ जाकर मिलती हैं, और यहाँ नेचर वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा, इसका जो नेचर है वो वर्चुअल और इरेक्ट, जब भी बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है बच्चों तो वो हमेशा वर्चुअल होती है, इट मीन्स काल्पनिक होती है, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, वास्तविक जो नहीं है उसे हम वर्चुअल कहते हैं, एंड इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स होता है सीधा, जैसे जिस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा है जो उसका हेड है वो हेड की जगह ही शो होगा, जब उसका बॉटम है वो बॉटम ही शो होगा, तो बिल्कुल सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, एनलार्ज होगा, साइज इमेज का कैसा होगा, एनलार्ज होगा। तो ये सिक्स हमने पॉइंट्स देखे, अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, कॉनकेव के ये जो सिक्स पॉइंट थे वो पूरे हुए, कॉन्वेक्स में दो पॉसिबिलिटी हैं, एक इन्फिनिटी से आ रही हैं तो वो रिफ्लेक्टेड हो रही हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, लेकिन वो पीछे की तरफ मीट करती हैं, और वो भी मीट कहाँ करेंगे, जो इन्फिनिटी से आती हैं वो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फोकस पर मिलेंगी, तो वहाँ पर पॉइंट साइज बनेगा, लेकिन ये रियल होगा इन्वर्टेड होगा क्योंकि ये बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं। सेकेंड, जो ऑब्जेक्ट हैं वो कहाँ रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट एनी वेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब अगर हम रखते हैं तो कहाँ होगा,
तो यहाँ पर वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और एक पोल पी से होती हुई जाएगी। तो दोनों रिफ्लेक्टेड होने के बाद ये मिलती हैं पीछे की तरफ, बिहाइंड द मिरर, और वो किस पे मिलती हैं, बिटवीन पी एंड एफ, और वहाँ पॉइंट जो इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा होता है और वो रियल होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बिटवीन पी एंड एफ, साइज ऑफ इमेज कैसा है, वेरी स्मॉल, और नेचर कैसा है, वर्चुअल काल्पनिक एंड इरेक्टेड और सीधा है। तो ये हमने कंडीशंस जानी। अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हम यहाँ यूज़ को पढ़ने जा रहे हैं, तो बच्चों आपको ध्यान से आराम से वीडियो को पॉज करते हुए समझना है, चीज़ों को नोट करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको। यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज़ इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेड लाइट ऑफ व्हीकल। जो हमारी बैटरी होती है, सर्च लाइट किसान वाली जो होती है, और हेड लाइट ऑफ व्हीकल, गाड़ियों के जो आगे के हेड लाइट हैं उनमें कॉनकेव मिरर यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद यूज टू सी द लार्ज इमेज ऑफ फेस एज सेविंग मिरर। सेविंग मिरर में हमारे चेहरे की इमेज को बड़ा करके देखने के लिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ बाय डेंटिस्ट, दांतों के जो डॉक्टर हैं वो लार्ज इमेज के लिए टीथ की अंदर छोटा एक लेंस, सॉरी मिरर डाल के देखा जाता है कि उससे, ताकि लार्ज इमेज टीथ के सामने आए और डॉक्टर उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। लार्ज कॉनकेव मिरर यूज टू फोकस सनलाइट हीट इन सोलर फर्नेंस। जो सोलर फर्नेंस होती हैं, सौर ऊर्जा से चलने वाली जो भट्टियाँ होती हैं, उनमें सनलाइट को हीट ज़्यादा लेने के लिए, उनको फोकस करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। तो ये कॉनकेव मिरर के यूजेज हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे किसकी, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर को हम देख रहे हैं, यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज इट गिव्स इरेक्ट इमेज। ये रियर व्यू मिरर, रियर व्यू पीछे का व्यू देखने के लिए मिरर के रूप में काम में लेते हैं व्हीकल्स में। इट गिव्स इरेक्ट इमेज क्योंकि ये सीधी इमेज देता है। इट ऑल्सो हेल्प व्यू लार्ज एरिया, और ये लार्ज एरिया को कैप्चर करने की क्षमता रखता है। अब यहाँ हम साइन ऑफ कन्वर्जन की बात करेंगे कि साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल्स, जितनी भी डिस्टेंस है वो सभी पोल से नापी जाती हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। टेक पी एज ए ओरिजिन, ओरिजिन को पी के रूप में लेते हैं। जो राइट साइड का जो ओरिजिन एक्स एक्सिस है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड का नेगेटिव लेते हैं। उसी तरह परपेंडिकुलर में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ अबव टेक पॉजिटिव, एंड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस माइनस वाई एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। सो दीज आर साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ ये कार्टेशियन सिस्टम से भी आप इसको देख सकते हैं, जो मैथ में भी आप देखते हैं ग्राफ के ऊपर। ये मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला में आप क्या देख रहे हैं कि जो फोकल लेंथ है एफ, स्मॉल एफ, वो किसके इक्वल होती है, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। यहाँ वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, एंड यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, एंड आर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। जो रेडियस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होती है, वेयर स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय टू। सो वी टॉक अबाउट मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इट इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वो रेशियो है जो हाइट ऑफ इमेज का
और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जाता है, रेशियो निकाला जाता है, उसे हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। सीधे और सरल शब्दों में हम बात करें तो जो बनने वाली इमेज की हाइट है और जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस पर मिरर के सामने, उन दोनों के हाइट में क्या डिफरेंस है, उनका क्या अनुपात है, उनमें जो रेशियो निकाला जाता है, डिफरेंस नहीं कहेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रेशियो बोलेंगे, उनका जो रेशियो है उसे हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। यहाँ स्मॉल एफ से उसको डिनोट करते हैं और माइनस वी अपॉन यू से इसको बोलते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे एच वन अपॉन एच ओ हम लिख सकते हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और एच वन को हम आई से भी डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं एम अगर एक से छोटा है तो इमेज मैग्नीफाइड होगी, एम एक है तो इमेज सेम साइज की होगी, एम एक से छोटा है, एम छोटा है एक से तो इमेज डिमिनिश होगी, एम बड़ा है एक से तो मैग्नीफाइड होगी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको स्फेरिकल मिरर में काम आएंगे, यहाँ पे आप इनको अच्छे से ऑब्जर्व करें। अब हम अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम रिफ्रैक्शंस को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्शन आपका पूरा हुआ और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्यूरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एज गिवन इन माई वीडियो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके स्टूडेंट्स, बी सेफ, स्टे एट होम, एंड वी विल मीट एट स्कूल वेरी सून। जय हिंद, जय भारत।